नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों अगर हम बात सेक्शन निफ्टी की करते हैं तो जो निफ्टी का इंडेक्स है 16,400 का आंकड़ा टच करके वापस 18,000 भाग गया और अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो जितने भी दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर है यानी FII वो वापस आने वाले और मार्केट है दोस्तों जल्दी ही जो 18,600 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार कर सकता है। लेकिन जो जितनी भी ये राय है, मेरी पर्सनली राय है, अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो आप अपनी रिसर्च करके ही स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं सिर्फ वही स्टॉक आपके सामने बात करूंगा जिस स्टॉक के अंदर मैंने दोस्तों अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक दोस्तों ट्रैवल लीडिंग जो प्लेटफॉर्म है यानी ट्रैवल के अंदर जितने भी टूरिज्म है, फ्लाइट टिकट बुकिंग हो गया, ट्रेन हो गया, इनके अंदर दोस्तों इन्होंने अपना सिक्का जमा रखा है। इज माई ट्रिप के बारे में, इज माई ट्रिप का जो स्टॉक है दोस्तों वो अभी बाय करने लायक है या नहीं है, और अगर बाय कर रखा है तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चले दोस्तों मैं लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हर एक पॉइंट दोस्तों उधर से बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इधर पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि इज माई ट्रिप के जो शेयर है वो आगे कहां तक जा सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनको आगे क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी फ्रेश बाइंग इसके अंदर करने जा रहे हैं उनको किन लेवल्स पर बाय करना चाहिए और साथ में उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों शेयर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, जो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। दोस्तों इनका एक पोर्टल भी है इज माई ट्रिप और एप्लीकेशन भी है जिसके द्वारा हम टिकट बुक करते हैं फ्लाइट्स की, इज माई ट्रिप। दोस्तों इनके इन हाउसेज कॉल सेंटर भी हैं और आपको पता होगा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में ये रिजर्वेशन और जो बुकिंग है यानी टिकटिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों हम ईज माई ट्रिप के अगर सर्विसेज की बात करें तो फ्लाइट्स है, होटल्स है दोस्तों, उसके बाद बस है, हॉलीडे है, कैब है, और टूरिस्ट है, क्रूज है, चार्टर्ड हो गया, और अगर और भी अदर एक्टिविटीज है, गिफ्ट कार्ड है, ऑफर है, और कॉर्पोरेट ट्रेवल है, बहुत सारे मतलब इसके अंदर दोस्तों अभी ये काम कर रही है। और आपको भी पता होगा दोस्तों इज माई ट्रिप ने अभी लेटेस्ट ही एक जो नई कंपनी एक्वायर की है योलो ट्रेवल ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, जो ये कंपनी थी दोस्तों योलो बस के नाम से ऑपरेट करती थी, हमारे देश में बसेस जो सर्विसेज थी वो ऑपरेट करती थी। दोस्तों आपको पता होगा कि पीछे जो इज माई ट्रिप का आईपीओ आया था, और अगर आईपीओ के अंदर हम देखते हैं दोस्तों आईपीओ में इन्होंने 175% का जो रिटर्न है अपने कस्टमरों को दिया है। अगर हम दूसरे आईपीओ की बात करते हैं उनकी अपेक्षा इज माई ट्रिप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 175 का। और दोस्तों आईपीओ के अंदर खास बात क्या थी, अगर आपने देखा हुआ इसके स्टॉक के अंदर जब से दोस्तों आईपीओ आया है अब इन्वेस्टरों को दोस्तों जो पैसे है कई गुना हुए हैं इज माई ट्रिप के आईपीओ के द्वारा, और इज माई ट्रिप पहले ही दिन से दोस्तों प्रॉफिट में है, यानी अभी तक जितने भी निवेशकों ने इसके अंदर पैसा निवेश किया है उनको लॉस नहीं होने दिया, और बाकी इसके फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, पहले ही दिन से कंपनी प्रॉफिट है। और इज माई ट्रिप का दोस्तों जो डायरेक्ट 93% जो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, यानी डायरेक्टली कंज्यूमर आते हैं क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर दोस्तों डेबिट कार्ड के द्वारा अपनी टिकट बुक करते हैं, पैसे पे करते हैं, यानी 93% कंज्यूमर बेस्ड दोस्तों इनका बिजनेस है। प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों सबसे ज्यादा, यानी 75% जो अभी प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर मैं मनी कंट्रोल की साइट पर भी जाता हूं इधर आपको पूरी डिटेल के साथ दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इज माई ट्रिप ने जो एक्वायर किए हैं 1.5 करोड़ के करीब जो फ्लाइट्स हैं या होटल हैं, और वो भी विद एटीवी एज ₹10,000। और अब दोस्तों आपको पता है इज माई ट्रिप के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोनस के साथ डिविडेंड देने की भी बात की है। तो दोस्तों ये थे इनके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में, शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। भैया स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है? दोस्तों स्टॉक की परफॉर्मेंस से पहले कंपनी के दोस्तों हम जो इसके सपोर्ट है या जो दोस्तों वीकनेस है वो जान लेते हैं। दोस्तों ये चार्ट है पूरा इज माई ट्रिप का, चार्ट में जाने से पहले आपको पता हुआ कि जो 52 वीक लो है इसका 161 गया है, यानी जो आईपीओ लॉन्च हुआ था, और जो दोस्तों 52 वीक हाई है ₹717 टच करके आया है। उसके बाद हम आईसीआईसी डायरेक्ट की भी बात करेंगे कि उन्होंने भी दोस्तों अपने जो लेवल दिए हैं। दोस्तों अगर हम कंपनी के अंदर फाइनेंशियली फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जो इसके सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, क्योंकि प्रमोटर के पास दोस्तों इनकी 75% की होल्डिंग है। दूसरे कंपनियों की तरह नहीं है भैया कि आए और अपना आईपीओ निकाला और अपना जितनी भी होल्डिंग है बेच के चले गए। आपने लेटेस्ट ही बहुत सारे आईपीओ देखे होंगे दोस्तों। अगर इसके इंडस्ट्री शेयर होल्डिंग पैटर्न की आप लोग देख सकते हैं, इधर पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं स्टॉक की, चार्ट को भी मैं रीड करूंगा लेकिन पहले टेक्निकल देख लेते हैं। दोस्तों जो इसका ट्रेंड है वेरी बुलिश है,
ट्रेंड बोल रहा है भैया बाय कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मूविंग एवरेज है वो भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है। उसके बाद मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर है वो भी इसका बुलिश है, यानी सब कुछ बुलिश चल रहा है। स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके पीवेट लेवल को देखते हैं, क्लासिक हो गया, फिबोनाची हो गया, उसके बाद देखिए R1 दे रखा है 598, R2 616, R3 643, उसके बाद बहुत सारे लेवल दे रखे हैं। यानी जो इसके अभी अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर को देखते हैं तो दोस्तों सारे बुलिश की राय दे रहे हैं। दोस्तों अब मेन बात आ जाता है दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में, क्योंकि पता होना चाहिए जब भी हम स्टॉक के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके इज माई ट्रिप के शेयर की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों कंपनी के जो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, यानी पहली बात तो क्या है ना, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ना के बराबर है। प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, यानी इससे डायरेक्टली हम अनुमान लगा सकते हैं भैया जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। और अगर हम इसके दोस्तों कैश फ्लो की बात करते हैं, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी दोस्तों दिन प्रतिदिन जो कंपनी का कैश फ्लो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कंपनी का दोस्तों कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ है, आप देख रहे होगे दोस्तों ये मनी कंट्रोल बोल रहा है इसके पूरे डिटेल के साथ। अगर हम दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ है, अगर ग्रोथ की एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अगर हम इसका प्रॉफिट देखते हैं तो ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग मार्केट मार्जिन YoY, यानी दोस्तों का जो नेट प्रॉफिट है बढ़ता हुआ जा रहा है। जो दोस्तों अभी सेकंड वेव आई थी उसका भी स्टॉक के ऊपर यानी कंपनी के ऊपर ज्यादा जो इंपैक्ट नहीं पड़ा है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे मैंने पहले बताया कंपनी के ऊपर जो लो डेट है, यानी जो दोस्तों डेट है ना के बराबर है, और प्लेज है जो मेन बात क्या है, कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने जीरो प्लेज किया है। आपको पता है बहुत सारी कंपनियां आती हैं IPO निकालती है, जो प्रमोटर रहते हैं अपना जो दोस्तों पूरा पूरा फंडा क्लियर करके निकल जाते हैं, फंस जाते हैं निवेशक, लेकिन इधर कंपनी के प्रमोटर हैं उनकी जो प्लेज है उन्होंने अपने जो जीरो प्लेजिंग है कोई उन्होंने शेयर नहीं बेचा। और मोमेंटम प्राइस अबो द शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म दोस्तों अभी सब कुछ, अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो 9 की स्ट्रेंथ के जो पॉइंट है हमारे जितने निवेशकों के फेवर में है। अगर हम वीकनेस की बात करते हैं तो दोस्तों एक वीकनेस इसमें है कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी कम की है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें हम जैसे लोगों के लिए, तो अपॉर्चुनिटी दोस्तों क्या है कि अभी जो बिग डील है बाय लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% टोटल शेयर, आपको पता है कि जबरदस्ती इसके अंदर दबा के दोस्तों अभी जो बाइंग हो रही है, मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा। नेगेटिव टू द पॉजिटिव ग्रोथ इन द सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट, बड़ा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसका जो हाईएस्ट रिकवरी है 52 वीक लो आपको पता है 161 रुपए से ये 717 रुपए तक टच किया है शेयर ने, यानी दोस्तों रिकवरी तगड़ी है। अगर हम इसके RSI इंडिकेटर की बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर दोस्तों इसके हम MC टेक्निकल्स की बात करते हैं तो दोस्तों जो ट्रेंड है वेरी ब्यूलिश है, और दोस्तों जो MC इसेंशियल्स है वो भी 70% पास कर रहा है। अगर हम इसके दोस्तों वॉल्यूम ओपन की अगर बात करें तो इधर पूरा डिटेल में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अब हम इसके चार्ट की बात करते हैं। दोस्तों ये मैंने ओपन कर रखा है इज माई ट्रिप का पूरा चार्ट। दोस्तों इधर मैंने अपने कुछ लेवल्स हैं वो भी अंकित कर रखे हैं। इधर आप लोग देखिए कि जो स्टॉक है अभी इस तरह से कर रहा है। अगर आपने पिछले 2 दिन का अगर आप चार्ट को देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं दोस्तों, पिछले 2 दिन से दबा के इसके अंदर दोस्तों बाइंग हो रही है। आप लोग जो ये वॉल्यूम मैंने ये इधर मैं दोबारा से एक बना देता हूं लाइन, ये देखिए अगर हम इस वॉल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, देखिए पीछे जो वॉल्यूम थी कहां से दोस्तों कहां तक आ चुकी है, और अभी ये वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और अभी मैं दोस्तों 10:50 लगभग 50 मिनट पर वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ इतने देर में यानी लगभग 2 या 2.5 घंटे के अंदर पिछले जितने दिनों से स्टॉक बाय हुआ है उससे ज्यादा जो वॉल्यूम है दोस्तों अभी तक आ चुकी है। और अगर दोस्तों ये स्टॉक है जहां तक मेरा आइडिया, अगर 600 रुपए को यानी 587 को दोस्तों ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहा है, अगर 587 रुपए को ये तोड़ देता है तो दोस्तों उसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा। और दोस्तों स्टॉक ने अभी जो सपोर्ट ले रखी है वो 499 पर ले रखी है, अभी थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश की थी 529 का, लेकिन दोस्तों जो बायर है उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हर कोई इन्वेस्ट करने इसके अंदर जाएगा ही। और आज की डेट में दोस्तों जो अगर वॉल्यूम देखते हैं वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों स्टॉक है अभी और जाएगा, अभी दोस्तों इसके अंदर और ज्यादा बाइंग होगी, क्योंकि ICICI का भी दोस्तों टारगेट इधर आ चुका है, मैं आपको इधर दिखा देता हूं। अगर दोस्तों मैं ICICI के टारगेट की बात करता हूं तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से रिसर्च हुई है, उन्होंने टारगेट दिया है दोस्तों इधर
670 रुपए का दिया, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये 670 नहीं, लगभग 1000 तक जाने की संभावना है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आगे 12 से लेकर 18 महीने का टारगेट आ चुका है। एक्चुअली ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, नवंबर 12 2021 के, लेकिन उन्होंने पूरे दे रखा है कि भैया जो पार्टिकुलर्स में आप देखिए जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है करोड़ में 5476 करोड़ है, टोटल डेट है फाइनेंशियल ईयर 2020 में 217 है, कैश अगर हम बात करें 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 228 करोड़ का है, अगर ईवी टोटल हम बात करते हैं दोस्तों वो है 5265 करोड़ का, और दोस्तों अगर 52 वीक लो या हाई की बात करें तो आपको पता है वो पीछे मैंने जो आईपीओ लॉन्च हुआ था 161 पे लॉन्च हुआ था, और अभी अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें 353 का लोएस्ट किया था, लेकिन हाई दोस्तों 717 के ऊपर जा चुका है। फेस वैल्यू दोस्तों 2 रुपए की दिखाई दे रही है, फेस वैल्यू है जो, अगर हम शेयर होल्डिंग की दोस्तों बात करते हैं, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग, देखिए दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 1% भी कम नहीं हुई है, क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 2021 में 74.9 था, और अभी भी 2022 के क्वार्टर के 2 में 74.9 है। डीआईआई की देख ले दोस्तों, डीआईआई की थोड़ी कम हुई है, एफआईआई है इन्होंने थोड़ी कम की है, लेकिन पब्लिक हम जैसे लोगों की दोस्तों होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, 8.2 थी 18.9 हुई है और अभी 20.2 के पास क्रॉस कर गई है, यानी दोस्तों जो आम पब्लिक है हम जैसे लोग इसके अंदर अभी ब्यूलिस है, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट की दोस्तों अभी आ चुकी है कि भैया इतने लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन मेरे लेवल दोस्तों थोड़े से ऊपर है, क्योंकि अगर स्टॉक इधर मैं जो चार्ट दिखा रहा हूं अगर दोस्तों इधर 585 को तोड़ देता है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा सा इधर रेजिस्टेंस का काम करा, अगर ये तोड़ देता है तो स्टॉक है दोस्तों लगभग 700 रुपए तक जा सकता है, और अगर हम इसके नीचे की बात करते हैं तो इधर से देखें दोस्तों स्टॉक ने कंटिन्यू रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, 532 रुपए पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया है तीन या चार दिन, तो मेरे हिसाब से दोस्तों 531 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और इसके ऊपर आपको पता है कि जो जितने ये वायरसेज आ रहे हैं इनका भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो दोस्तों ये थे मेरे फाइनली इज माई ट्रिप को शेयर को लेकर रिव्यू। अगर आपके पास दोस्तों अभी स्टॉक है ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आप बाय करने जा रहे हैं फ्रेश बाय करने जा रहे हैं तो इस लेवल के ऊपर दोस्तों आप बाय कर सकते हो जो आज के समय में चल रहा है, और दोस्तों इस स्टॉक से आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों फाइनली इज माई ट्रिप शेयर के बारे में आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फिर दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।